सो वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एंजाइम इनहिबिशन. एंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. आप लोगों के लिए ये लास्ट पार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है. देर आर क्वेश्चन पर्टेनिंग टू नीट एग्जामिनेशन विच आर आस्ड हैव बीन आस्ड रिपीटेडली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो टू बिगिन विद द एंजाइम एक्शन. What do you mean by the term enzyme inhibition? See, the substances which decrease the activity. भाई एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? Catalysis of the reaction. So the substances which decrease the catalysis power of the enzyme would be termed as inhibitors. And the phenomena in itself is known as inhibition. ठीक है? तो एंजाइम एक्शन की यानी एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है. तो ये जो इनहिबिशन है ये दो तरीके का होता है बेटा. इट इज आइदर इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल. सो इट कैन आइदर बी रिवर्सिबल इनहिबिशन और इररिवर्सिबल इनहिबिशन. अब ये इररिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब ये हो गया कि अगर वो सब्सटेंस एक बार एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो परमानेंटली अटैच हो जाएगा, फिर इट इज नॉट गोइंग टू सेपरेट ऑफ. ठीक. लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में क्या हो रहा है? रिवर्सिबल इनहिबिशन में द सब्सटेंस फॉर अ टाइम बीइंग विल गेट अटैच्ड, मे बी फॉर अ ट्रांजिएंट फेज इट विल गेट अटैच्ड टू द एंजाइम, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द एंजाइम. तो इससे वापस एंजाइम काम करना शुरू कर देती है. तो जो इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बेटा. ठीक है. तो अब कुछ इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. हो सकता है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो. इररिवर्सिबल इनहिबिटर में बेटा एक मेडिसिन आपने सुनी होगी, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो है ये इररिवर्सिबल इनहिबिटर. पेनिसिलिन इज द इररिवर्सिबल इनहिबिटर. और ये क्या करती है? एक एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेसिस. तो ये जो ट्रांसपेप्टाइडेसिस एंजाइम है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी. क्या कर देगी? इनहिबिट. तो इसके इनहिबिशन से क्या होने वाला है? ट्रांसपेप्टाइडेस बेसिकली जो होती है इन्वॉल्व होती है, बेसिकली इन्वॉल्व in synthesis of bacterial cell wall. तो भाई ये जो एंजाइम थी bacterial cell wall की synthesis में actively involved थी, लेकिन इसकी inhibition की वजह से क्या होगा? अब bacteria जो बेचारा है उसकी cell wall बन नहीं पाएगी. तो cell wall नहीं बन पाती है तो धीमे धीमे करके तो bacteria dies off. और ये irreversible inhibition का example है. ठीक है. सो नाउ नो सेल वॉल फॉर्मेशन या फॉल्टी सेल वॉल फॉर्मेशन होगा बैक्टीरिया का, तो उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरियल डेथ हो जाती है. बैक्टीरिया जो होता है वो धीमे धीमे करके इरेडिकेट करता चला जाता है. सो दिस इज हाउ द पेनिसिलिन वर्क्स. ठीक है. येट अनदर एग्जाम्पल. अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहूँ तो बेटा एक मेडिसिन और सुनी होगी आपने, एस्पिरिन. सुनी है? एस्पिरिन कहते हैं. एस्पिरिन. तो व्हाट एस्पिरिन डज, एक हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम होती है जो कि पेन पाथवे को मीडिएट करती है, उसको कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस. उसको कॉक्स भी कहते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस. अब ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम है इसके साथ ये बाइंड करके इनहिबिट कर देगी, इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देगी. तो उससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो धीमे धीमे करके कम होता चला जाता है. बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज दिस वॉज इन्वॉल्व इन द पेन पाथवे एंड द पाथवे ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो अब जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन का रिडक्शन हो जाता है, कमी आ जाती है इन्फ्लेमेशन. तो दिस कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पेन एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन. ठीक है. सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इररिवर्सिबल इनहिबिशन.
इसी तरह से कई और मेडिसिंस हैं जो कि इरिवर्सिबली बाइंड करके और पर्टिकुलर एंजाइम को शांत कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर मेडिकेटेड इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन की। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, कंपटिटिव, नॉन कंपटिटिव एंड अनकंपटिटिव इनहिबिशन। तीन तरह के इनहिबिशन होते हैं, तो आइए तीनों को एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को मैंने एंजाइम की जो मोड ऑफ एक्शन था, जो एक्टिवेशन थ्योरी थी, जो काइनेटिक्स थी, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि ये वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, उसे एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को लेते हैं और इसके वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे उसको लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शुरू में देखते हैं कि हमें ये रेक्टेंगुलर पैराबोला मिलता है, ये एक रेक्टेंगुलर पैराबोला मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये बताता है कि शुरुआती स्टेज में जो होता है वो लीनियर इक्वेशन आती है एक्सपोनेंशियल की, बहुत तेजी से जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाता चले जा रहे हो वैसे वैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आगे जाकर के यही चीज सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, दिस वॉज वॉट आई टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ माइन। ठीक, तो अब जो ये बच्चे नया वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि कंपटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। देखिए बेटा, कंपटिटिव इनहिबिटर को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो जो इनहिबिटर होगा वो भी बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह ही लगेगा, यानी कि मान लीजिए ये छोटा सा जो है ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर, ये इनहिबिटर हो गया। ठीक, तो अब ये इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट की जगह जाकर के ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ जाएगा। अब जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर नहीं सुना उसको बता दूं कि एंजाइम की एक्टिव साइट का मतलब होता है वो कॉन्फॉर्मेशनल वॉइड, वो अमीनो एसिड के रेसिडुअल वॉइड्स जहां पर ये सबस्ट्रेट एंजाइम से आके जुड़ता है। ठीक है, तो उसको यहां कह देते हैं एक्टिव साइट फॉर एंजाइम। ठीक, ये हो गया आपका इनहिबिटर, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक, और ये क्या है, एंजाइम इटसेल्फ, ये एंजाइम हो गई आपकी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा। तो पहला पॉइंट कंपटिटिव इनहिबिशन में क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन इनहिबिटर, इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, एंड सबस्ट्रेट, इसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद रखिएगा बेटा जो चीजें बता रहा हूं वो सब पूछी जानी है, या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और चूंकि सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कौन कर रहा है, इनहिबिटर बिल्कुल उसी की तरह देखने में लगता है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन दोनों में उसको एक ही बनेगा, यानी ESI कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता कंपटिटिव इनहिबिटर के केस में। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या होगा, व्हाट भाई फायदा, अब इसका एंजाइम काइनेटिक्स पे जो डायग्राम बना है इससे क्या रिलेशन क्या बन रहा है, जस्ट बिकॉज कि सबस्ट्रेट को इनहिबिटर कंपटिटिवली इनहिबिट कर सकता है,
अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर दें, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इफ इंक्रीज बहुत ज्यादा कर दें, तो इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंड करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी ना, इजंट इट भाई? जो चांसेस ऑफ द इनहिबिटर टू बाइंड विद द एंजाइम डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? सो उससे क्या होगा कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो चांसेस ऑफ इनहिबिटर टू बाइंड टू एंजाइम डिक्रीजेस, ये तो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं इनडेफिनेटली तो वी कैन ओवरकम दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन। तो ये याद रखिएगा, दिस फिनोमेना इज ओनली लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, कि अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं तो इनहिबिटर के उस इफेक्ट को टू एन एक्सटेंट हम ओवरकम कर लेते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज कंसंट्रेटेड टू कंपटिटिव इनहिबिशन ओनली, नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन और अनकंपटिटिव इनहिबिशन में ऐसा नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया था कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है, क्या होता था? Km, Km was the concentration of substrate at which the enzyme reaches half of its velocity। यही बात तो हमने आपको बताई थी कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहां पर वेलोसिटी ऑफ जो एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ को अटेन कर लेती है। तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट इंफरेंस है जो कि आप लोगों से नीट के एग्जामिनेशन में एसर्शन रीजन में पूछा जा सकता है या विच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, प्लीज नोट इट डाउन। इनहिबिटर के इनकॉर्पोरेशन से माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एल्टर हो जाती है और नई वैल्यू को के डैश एम या के एम डॉट आई के माध्यम से दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। जबकि जो वी मैक्स है कंपटिटिव इनहिबिशन के केस में, धीमे धीमे करके आप ये लाइन ले जाएंगे तो दिस लाइन विल गो एंड विल मीट द मैक्सिमम पॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो वी मैक्स है ये अनअल्टर्ड रह जाएगा लेकिन के एम एल्टर हो जाएगा, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है वो एल्टर हो जाएगा और Vmax जो होता है वो अनअल्टर्ड रह जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफरेंस विच यू पीपल विल ड्रॉ फ्रॉम दिस डायग्राम। इस डायग्राम को आप लोग फिर से ध्यान से देखिए बेटा। सर ये कह रहे हैं कि वन वॉज the enzyme action without inhibitor, जबकि टू है एंजाइम एक्शन विद इनहिबिटर। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो इनहिबिटर के साथ है उसका जो Km और Vmax की वैल्यू है, तो Km
इनटू आई, या इसको मैंने कहा है के डैश एम, ये एल्टर हो जाएगा। लेकिन वी मैक्स जो होता है इसमें कोई एल्टरेशन नहीं आएगा। स्लोली एंड स्टीडली व्हाट विल हैपन कि दिस थिंग विल गो एंड विल मीट दिस वी मैक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये आगे जाकर के मीट आउट कर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन विच आई हैव टॉट यू पीपल। सेकेंड, नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन। नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन में क्या होना है, सेम थिंग। अब यहां पर क्या होगा कि जो इनहिबिटर होगा इट इज गोइंग टू बियर नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। सो पहला पॉइंट हो गया नो स्ट्रक्चरल Similarity with substrate, inhibitor की no structural similarity with the substrate, first point बंद करिएगा या रखने दीजिए, मैं देख लेता हूँ, खोल देता हूँ। फोकस रीसेट कर लो। सो सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन में जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिजिबल है। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, भाई देखिए क्या होता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तीनों क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये एंजाइम है, ऐसे मान लीजिए कि ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको आप सोचिए, ये इसमें सबस्ट्रेट हो गया, और जो इनहिबिटर होता है इसकी कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती है। जैसा कि मैंने लिखा है, देयर इज नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इसकी अपनी कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती है। ठीक, तो ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर हो गया, ये एंजाइम हो गया।
तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तीन के तीनों बनेंगे। भाई कंपिटिटिव इनहिबिशन में यही तो नहीं हो रहा था, यही डिफरेंस है कंपिटिटिव और नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन। इन्हीं डिफरेंसेस पर सवाल आप लोगों से बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है? ठीक, अच्छा अब और क्या कह रहा है आइए देखें। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो वी मैक्स एल्टर हो जा रहा है, ये एल्टरेशन हो जा रहा है, और क्या एल्टर हो रहा है कि कम हो जा रहा है, तो वी मैक्स जो है नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन में कम हो जाएगा। क्यों? और के एम वैल्यू पर कोई असर, माइकलिस मेंस्टेन वैल्यू पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इनहिबिटर जो है वो फंक्शनल एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है ना, फंक्शनल एंजाइम के साथ। भाई सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम जो थी वो नॉन फंक्शनल थी, फिर जैसे सबस्ट्रेट पास आया उसमें अपना कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ और वो एंजाइम उससे जुड़ गई, अब ये हो गई फंक्शनल एंजाइम। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर भी जुड़ जाएगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया विच इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी प्रोडक्ट। तो एक इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक? तो ये तो प्रोडक्ट यील्ड करेगा, ये तो प्रोडक्ट यील्ड करेगा, लेकिन साथ में इनहिबिटर भी है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अगर बन गया ना डियर, तो इट इज गोइंग टू यील्ड नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये एंजाइम की कैपेसिटी टू कैप्चर द सबस्ट्रेट, भाई उसे कोई दिक्कत ही नहीं, एंजाइम सैचुरेट हो जाए अपने नेचुरल रेट से, एंजाइम जो है वो अपने नेचुरल रेट से सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से जो KM है उस पर कोई असर नहीं आता, जो माइकलिस मेंस्टेन कांस्टेंट है ना इस पर कोई असर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जहां जहां पे ESI एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहां वहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो खींच के रखता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को, दबा देगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि Vmax एल्टर हो जाएगा, पर सबस्ट्रेट के उस कंसंट्रेशन पे जिसको कि KM कहते हैं, जिस पर हाफ Vmax होती है, वो कम हो जाता है, खींच देता है, ठीक है? तो इसमें क्या आपने समझ लिया कि जो KM है सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन वो अनएल्टर्ड रह गया, जबकि जबकि जो Vmax है उसका जो वैल्यू है वो कम हो गया। सो इस चीज को पॉइंट आउट कर दीजिए, KM remains unchanged while Vmax is decreased. This is it. This is for non-competitive inhibition. ठीक है, तो ये हो गया आपका non-competitive inhibition का criteria. अच्छा, अब तीसरा आएंगे हम अनकंपटीटिव इनहिबिशन। अनकंपटीटिव इनहिबिशन क्या हुआ भाई? नॉन कंपटीटिव समझ में आया, कंपटीटिव समझ में आया, नॉन कंपटीटिव क्या है? इसमें जो इनहिबिटर होगा वो कहां एक्ट करेगा बताते हैं। पहला क्या होता है, एंजाइम होती है, सबस्ट्रेट होता है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है, यही तो होता है। तो भाई जो कंपटीटिव इनहिबिटर था वो ये इसी स्टेज पे एक्ट कर जा रहा था, जो नॉन कंपटीटिव इनहिबिटर था वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जा रहा था, है कि नहीं? वो एंजाइम, अब ये जो कंपटीटिव, ये अनकंपटीटिव इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ जाएगा। अनकंपटीटिव इनहिबिशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप क्या करिए,
कि पहले बनाइए कि ये एंजाइम हो गई, इसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ता था, इसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ता था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था, उससे बनता था प्रोडक्ट। सही बात है, यही तो होता था ना। तो अब ये अनकंपटिटिव इनहिबिटर जो है ये क्या करने जा रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ती है तो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगी तो जो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा, यही चेंज फैसिलिटेट करता है इनहिबिटर को ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ने के लिए। द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज विच अकर आफ्टर ES कॉम्प्लेक्स, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज गोइंग टू फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ द इनहिबिटर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो अल्टीमेटली होना क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ती है किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए थ्रू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ही बेकार करते, उसी को नेस्तो नाबूद करते, मतलब उसको इससे मतलब ही नहीं है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़े ना जुड़े, अगर जुड़ी है तो मैं उसको खराब कर दूंगा। यह करता है अनकंपटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, सो आपने एक चीज देखी, चाहे वो अनकंपटिटिव हो या नॉन कंपटिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों केसेस में इनहिबिटर जो होता है, जो इनहिबिटर होता है, इट विल नेवर कंपीट विद द सबस्ट्रेट, इट विल नेवर कंपीट विद द सबस्ट्रेट, इट विल नेवर कंपीट विद द सबस्ट्रेट। इन दोनों केसेस में, चाहे वो अनकंपटिटिव इनहिबिशन हो या नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन, तो सबस्ट्रेट के साथ तो नहीं कर रहा है कंपटीशन, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा दीजिए इफेक्ट नहीं आएगा। भाई पहला केस जो कंपटिटिव इनहिबिशन था, उसमें अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे थे तो एक हद तक हम उस इनहिबिटर के एक्शन को टेक ओवर कर ले रहे थे, लेकिन चाहे वो अनकंपटिटिव इनहिबिशन हो या नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन हो, इन दोनों ही केसेस में जो इनहिबिटर है इट इज नॉट कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट। सो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। इस केस में क्या होता है, जो KM है वो भी अल्टर हो गया और जो Vmax है वो भी अल्टर, दोनों एल्टर हो जाता है, बोथ माइकलियस मेंस्टन कांस्टेंट एंड Vmax, इन दोनों में अल्टरेशन आ जाएगा। देखिए ये कम हो गया और जो Vmax है आप देखिए ये भी कम हो गया, तो जो वन था इट वॉज विदाउट इनहिबिटर और जो टू है इट इज विद इनहिबिटर, तो विद इनहिबिटर की जो ब्लू वाली लाइन है ये वेलोसिटी की बहुत ही कम वेलोसिटी बता रही है, जबकि इस वाले की तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक थी, तो इट हैज डिक्रीज्ड, तो Vmax भी कम हो गया और जो न्यू कांस्टेंट है वो भी कम हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी, कंपटीटिव इनहिबिशन के केस में ये जो माइकलियस मेंस्टन की वैल्यू थी ये ज्यादा हो गई थी, जबकि अनकंपटीटिव में ये कम हो जा रही है, ये भी एक गौर करने वाली चीज है।
तो इन सारी चीज़ों पे गौर करिए, अच्छे से पढ़िए, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन के माध्यम से तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ही समझाऊंगा, है कि नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। देखिए, जो अब तक जितनी भी एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़ी है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा बेटा, वो सिंपल एंजाइम्स थी। वो क्या थी? दे वर सिंपल एंजाइम्स। तो वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करती थी। जो ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड यूनिट होगी, कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। सो देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स। अच्छा भाई, फिर क्या कह रहे हैं? दीज एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें, एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बात करें, तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, ये क्या करने वाले हैं? दे कंसिस्ट ऑफ, पहला फीचर, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है, दे आर गोइंग टू कंटेन मोर देन वन प्रोटीन सब यूनिट, नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, दे डोंट फॉलो, दे डोंट फॉलो माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो नहीं करेंगी तो क्या होगा? उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट का जो ग्राफ हम बनाते थे वो कैसा होता था? रेक्टेंगुलर पैराबोला होता था। एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में आपको कैसा देखने को मिल रहा है? सिग्मोइड। आपको सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा। सो ये तीन पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तीनों पॉइंटों को सबसे पहले नोट डाउन करिए, इससे पहले कि आप कोई और शुरू करें कुछ लिखना, हम इसके बारे में आपको बताना शुरू करें, ठीक। तो अब जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है बेटा कि इट कंटेन्स मोर देन वन सब प्रोटीन सब यूनिट, तो इसकी मोर देन वन एक्टिव साइट भी होगी, है कि नहीं। इसी वजह से ये ग्राफ जो होता है ये सिग्मोइड हो जाता है, क्योंकि ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं, चूंकि इनकी एक से ज्यादा सब यूनिट हैं, तो उसकी वजह से इनकी एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स भी होती हैं। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन वन एक्टिव साइट कैन लीड टू, मोर देन एक्टिव साइट कैन लीड टू सिग्मोइड कर्व। अच्छा, सिग्मोइड कर्व के होने में सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो कि अपना रोल प्ले करेगी, एक और चीज है, जैसे कि दो पॉलीपेप्टाइड यूनिट में दो एक्टिव साइट है, इसी तरह से इनके में दो रेगुलेटरी साइट भी होती हैं बेटा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव रेगुलेटरी साइट्स एज वेल अदर देन एक्टिव साइट्स, ठीक है। यहां पर लिखा है ना, एक्टिव साइट्स एक से ज्यादा हो गई तो रेगुलेटरी साइट भी एक से ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर ये रेगुलेटरी साइट क्या है? बेटा, कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उस एंजाइम से अटैच होकर के उसके एक्शन को, उसके कैटालिसिस के एक्शन को एंटर कर सकते हैं। भाई सबस्ट्रेट तो उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन कुछ ऐसे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए कि अगर दोनों साइट पे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जुड़ गए तो एक्शन डबल कम या डबल ज्यादा हो सकता है।
अगर किसी एक पे है तो थोड़ा सा रिएक्शन, ब्रेक लग गया, ब्रेक पूरा लगा दिया तो एकदम ही रुक गई गाड़ी। तो इस तरह से मॉड्यूलेट होता है इनका एक्शन। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि फिर वर्क करेंगे ना भाई। देयर कैन बी मेनी कॉम्बिनेशंस भाई। जो सबस्ट्रेट है वो सिर्फ एक ही एक्टिव साइट पर है, एक पे है ही नहीं, दोनों पे इनहिबिटर है। ये भी हो सकता है कि दोनों पे एंजाइम हो, दोनों पे इनहिबिटर हो। तो इस तरह से इनका रेट वेरी कर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एक्टिव साइट और कितने रेगुलेटरी साइट पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक्ट कर रहे हैं या रेगुलेटर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कम कर देते हैं तो अगर वो रेट, अगर ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो हैं ये उस एंजाइम रिएक्शन को कम कर देते हैं तो इसी को एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कह देते हैं, इसी को एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कह देते हैं। कई केसेस में क्या होता है बेटा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद बना प्रोडक्ट, ठीक, एलोस्टेरिक एंजाइम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो बना हुआ प्रोडक्ट ही रेगुलेटरी साइट पे जाके अटैच हो जाए तो इसको कह देते हैं फीडबैक इनहिबिशन। कि जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो अधिक मात्रा में बन गया तो वो खुद ही जाकर के स्विच ऑफ कराएगा, तो इसको कह देते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, ये कई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। भाई जितनी जो एंजाइम्स, ज्यादातर एंजाइम्स जो कि हमने पढ़ी हैं वो सबकी सब सिंपल होती हैं, ठीक है, और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को मानते हुए ऐसा काम करती हैं। लेकिन ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर चल रहा होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक,